लगा दो, कोरोना वायरस की वजह से सारे लोग मर रहे हैं और देर इंतजार नहीं कर सकते, जल्दी से घर मिला दो प्लीज। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना सनी आर्य, लेके पेश हूं आपके लिए बहुत ही प्यारी वीडियो। इस वीडियो के अंदर है मेरा 5 साल का भतीजा, जिसने इतनी अच्छी बातें बोली अपने देश के लिए, उसका ज्ञान देख के आपको बहुत खुशी होगी। चल के देखिए वीडियो, मिलते हैं वीडियो के एंड में। तेरे पास 10 मिनट है बेटा बात करने के लिए? हाँ। पक्का? क्या? थोड़ा सा परेशान हूँ बेटा मैं। क्या? मैंने तेरे से एक बात करनी है, मेरे को ढंग से सही से बात बताएगा बेटा? पहले सही से आराम से बैठे, आराम से बैठ बेटा। मेरे को ना अभी जब से बेटा कोरोना आया ना मार्केट में, मेरे को बहुत डर सा लग रहा है। इस डर को ख़त्म कैसे करूँ मैं समझ नहीं आ रहा बेटा। डर को अपने दिल से भगाओ। आपको छोटा दिल है क्या? आपका छोटा दिल है मेरी तरह? मेरा छोटा दिल तो नहीं, मेरा डर सा लग रहा है, पता नहीं क्यों विवान। उसके लिए क्या करूँ, डर निकल रहा है बेटा मन से ना मेरे। अरे फिर भगवान का नाम लो, डर अपने आप निकल जाएगा। भगवान का नाम तो लेता हूँ बेटा मैं। अच्छा मत रो, कुछ नहीं होगा। इधर बैठ के बात करना बेटा मेरे से। 5-10 मिनट तो अच्छे से बात कर, मैं तेरा चाचा नहीं हूँ। मैं नहीं रोता तेरे कहने पे, लेकिन इसका क्या समाधान है? ये बेटा आया कहाँ से? तू मेरे को अच्छे से स्टोरी बता। मैं काफ़ी दिन से टीवी भी नहीं देख रहा डर के मारे ना। ये आया कहाँ से ये बता बेटा बस, तो इसके बारे में प्रॉपर अच्छी सारी बातें बता। शुरू से तो ये चाइना से ही आया। चाइना से कैसे आ गया हमारे देश में? क्योंकि चाइना कुत्ते खाते थे, बिल्ली खाते थे, जानवर खाते थे ना, इसलिए उनका पाप चढ़ा और भगवान ने उनको सजा दी थी। अच्छा, समझ गया। इंडिया में आ गया। समझ गया, ये कुत्ते बिल्ली खाते थे, भगवान ने इनको सजा दी है तो ये वहाँ से आया। अच्छा अच्छा, इंडिया में कैसे आया बेटा ये कोरोना? अरे वो बहुत सारा दिया था ना, इसलिए इंडिया में आ गया चाइना से। अब बेटा मेरे को एक छोटी सी बात और बता, तूने बहुत अच्छी बातें बताई हैं। ये काका इंडिया से जाएगा कैसे, इसका समाधान क्या है? अब इंडिया से तो सिर्फ गर्मी भगा सकती है। गर्मी? समझा नहीं, गर्मी कैसे बेटा? थोड़ा आराम से इसको मत खेलना बेटा, आराम से। मैं सुन रहा हूँ तेरी बातें, मेरा थोड़ा दिल हल्का हो रहा है, मैं डर नहीं रहा। जब तक गर्मी नहीं आएगी ना, तब तक घर पर रहकर हाथ धोने हैं बस। अच्छा गर्मी तब तक चिपकेगा नहीं, फिर जब गर्मी आएगी तो अपने आप उमड़ जाएगा। गर्मी का वेट करना पड़ेगा हमें? हाँ। अच्छा ठीक है। तो गर्मी से क्यों भागेगा काका ये? क्योंकि गर्मी में ये जल जाता है। अच्छा, समझ गया। ठीक है। गर्मी बहुत ज्यादा होती है ना, ऐसा लग रहा है आग जल रही है, इसलिए भाग जाता है ये। हाँ। ये किसने बताया आपको? मोदी जी ने? चाइना में गर्मी नहीं आएगी पर कभी भी, वो पाप करके बैठे हैं इसलिए। हाँ। इंडिया में आ जाएगी, इंडिया में तो अब अगर आ जाएगी तो फिर कभी नहीं आएगा। फिर पर चाइना की गर्मी नहीं, पर चाइना में गर्मी नहीं आएगी तो वो मरते रह जाएंगे। और जब चाइना वाले साले मर जाएंगे ना, तो फिर भगवान कोरोना वायरस को अपने आप छीन लेंगे, फिर ठंडो या गर्मी कोरोना वायरस आएगा ही नहीं, बस चाइना के सारे लोग मर जाए, फिर भगवान इस बीमारी को अपने आप छीन लेंगे या तो मर जा सकते हैं। नहीं बेटा, ऐसे सब लोग नहीं मरने चाहिए, ऐसा नहीं, क्योंकि बेटा गलती तो कुछ लोगों ने करी ना। चाइना वाले खाते थे, कुछ लोग नहीं, सारे खाते थे। हाँ। नहीं काका, सच बात है ये? हाँ। तभी तो सब मर रहे हैं, बहुत सारे लोग मर रहे हैं चाइना में, घर में भी मर रहे हैं वो तो अपने। मेरे को बस इतना बताइए, जो मोदी जी लगातार कह रहे हैं कि थोड़े दिन की बात है, ये सच में सब कुछ दूर कर देंगे या फिर ऐसे मजाक कर रहे हैं? सब कुछ दूर कर देंगे। पावर है इनके पास? हाँ। क्या है देश के, क्या है हमारे ये? देश के मन मंत्री है, ये तो देश को चलाते हैं। पूरा देश ये चला रहे का? हाँ। कैसे? ये पूरे देश के राजा लगते हैं। कैसे चला रहे हैं देश को इन्होंने? ये चला कैसे ले हैं? अरे पहले भगवान ने मोदी को बनाया, फिर मोदी बहुत अच्छा काम करते थे, इसलिए उन्हें वो चलाने लग गए। हाँ। अच्छा, भगवान ने मोदी जी को बनाया वो इसलिए कि वो अच्छा काम करते थे। हाँ। बचपन में बहुत अच्छा काम करते थे ना काका। मेरे को ना रात को जैसे सोता हूँ ना,
मेरे को सपने में बार बार कोरोना कोरोना आता रहता है, उसको दूर कैसे करूं बेटा मैं? भगवान का नाम लिया करो, अपने आप आ जाएगा। आप लेते हो? जो जो बोलते हैं ना वो दिमाग में रिपीट हो जाती है और फिर वो ही आने लगते हैं। अच्छा, मैं ज्यादा ना सोचूं? हाँ। जब भी उसका सपना आए तो भगवान का नाम लेना, अपने आप भगवान का सपना आने लगेगा। ठीक है, एक बार काका कोरोना वायरस को भगा दे बेटा, मेरे लिए थोड़ी सी प्रार्थना कर दे, एक बार मेरे लिए थोड़ी सी प्रार्थना कर दे जो तेरे को आती है, जिससे कि कोरोना वायरस चला जाए। एक बार हाथ जोड़ के प्रार्थना कर दे काका। यहीं पर? हाँ यहीं पे। ए भगवान, इस कोरोना वायरस को दूर भगा दो, कोरोना वायरस की वजह से सारे लोग मर रहे हैं और देर इंतजार नहीं कर सकते, जल्दी से घर मिला दो प्लीज। बोल दो मेरे चाचू के लिए भी, बोल दो मेरे चाचू बहुत परेशान है। इतना ज्यादा प्यार करता है तू मेरे से, हैं? इतना ज्यादा प्यार करता है बेटा? पता काका, तूने मेरे को जो बहुत सारी बातें बोली है ना, इससे मेरा हौसला बढ़ गया है। मतलब मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, जब से तूने प्रार्थना करी ना मेरे लिए, मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ मैं अब। हाँ, सीधा होके बैठ एक बार। हाँ, मैं एक बात तेरे को दिल की बताऊँ? बताऊँ? पक्का सुनेगा? मैंने ना कैमरा लगाया हुआ था और इसकी रिकॉर्डिंग ऑन की हुई थी, मैं देखना चाहता था कि मेरा प्यारा सा भतीजा कितना समझदार है, लेकिन तूने आज दिल जीत लिया। मेरा नहीं, बहुत लोगों के कमेंट आने वाले हैं, पता क्या बोलेंगे, इस बच्चे से हमें मिलना है, फोटो करवानी है, ये बच्चा दुनिया का सबसे समझदार बच्चा है। पता मोदी जी बुला सकते हैं आपको, इतनी प्यारी बातें बोली आपने। मोदी जी से मिलना है आपने? मिलना है मोदी जी से? बोल दो मोदी जी मैंने आपसे मिलना है और मैं आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊँगा और आप देश के सबसे अच्छे इंसान हैं। बोल दो आप सब देश के सबसे अच्छे इंसान हो। मोदी जी मुझे आपसे मिलने में, आपसे मिलकर बहुत खुश हो जाऊंगा, आप देश के सबसे अच्छे इंसान हो। I love you मोदी जी। I love you मोदी जी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं हूँ आपका अपना सनी आर्या।